तो दोस्तों आपने कभी ठंडी चक्की देखी है या ठंडी चक्की के बारे में कभी सुना है? नहीं देखी है तो नहीं सुना है, तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ठंडी चक्की के पास और बताते हैं उसकी विशेषताएं। कोल्हू के साथ साथ ये आरा मशीन भी है, ये भी काफी पुरानी है और इसके अंदर जो है ये जो कच्चे रूम है यानी कि कच्ची शेड है ये काफी पुरानी है। इसके अंदर जो है आटा पीसने की चक्की भी इन्होंने लगाई हुई है। तो दोस्तों ये आप कोल्हू चलता हुआ देख सकते हैं। इस कोल्हू में अभी जो है ये सामने सरसों डाली गई है, तो ये सरसों अभी इसकी कढ़ाई चल रही है इस कोल्हू में, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही पुरानी चक्की है यहाँ पे इस गांव में, तो ये देख सकते हैं आप वीडियो में। यहाँ पे नीचे जो है इसका ऑयल निकलना जो सरसों का वो स्टार्ट हो चुका है। और हमारी इन साइड से बात हुई है, जैसे कि ये इन चक्कियों का काम भी है वो भी पूरा सेटअप कर देते हैं। अगर किसी आदमी को नई चक्की लगवानी हो तो उसका सेटअप पूरा करके दे देते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैसाखी के मेले में गांव ब्रह्मोती में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ये कोल्हू चलता हुआ दिखाई दिया पड़ा। तो अभी हमने इस ओल्ड प्रेस के ओनर से बात की वीडियो बनाने के लिए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि ओल्ड प्रेस में किस तरह से सरसों का ऑयल जो है वो निकाला जाता है। तो वीडियो में आप सामने देख सकते हैं ये कोल्हू के ओनर जो है वो इस कोल्हू पे काम कर रहे हैं और अभी सरसों की पिड़ाई जो है वो चल रही है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए इस कोल्हू के ओनर से बातचीत करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं इनके ओनर से। तो सर ये जो आपका कोल्हू है ये कब से चल रहा है यहाँ पे? सर 3 वर्ष हो गए हमारी। अच्छा, यानी कि आप तीसरी पीढ़ी है इनकी? तो बाबा जी ने लगाया था। अच्छा, आपके यानी कि पड़बाबा जी जो है उन्होंने लगाया था ये? पहले प्लांट चलाते थे। अच्छा जी, फिर उन्होंने प्लांट लाया। अच्छा जी, इससे पहले आपका घराट चलता था? तो जो घराट चलता था वो भी यहीं पे चलता था? नहीं सर, वो तो सतलुज के पास ही था। अच्छा जी, तो अभी सर जो आप यहाँ पे ये जो कोल्हू चल रहा है इसका तेल अगर हमारे वीडियो पे कोई भी दर्शक देख के आता है तो आप उनके लिए प्योर ऑयल अवेलेबल करवा सकते हैं? सर बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने आटा चक्की जो है वो भी लगा रखी है। ये जो मशीनें हैं सभी बहुत ही पुरानी यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप मशीनों की जो कंडीशन है बहुत ही ओल्ड कंडीशन है, यानी कि पुराने ज़माने की ये मशीनें लगी हुई हैं। ये आप आटा चक्की की साइड में ये जो लकड़ी के फट्टे वगैरह ये देख रहे हैं, ये सभी ओल्ड टाइप की मशीनें हैं जो आज भी उसी तरह आटा पिसाई कर रही हैं। तो दोस्तों अभी आप ये जो सामने चक्की देख रहे हैं ये घराट वाली चक्की है जो ठंडा आटा पीसती है, ये एक बहुत ही पुरानी पद्धति है। और ये पहले इनकी ये जो घराट वाली बड़ी ये सामने चक्की आपको दिख रही है ये पहले सतलुज नदी पे इन्होंने लगाई हुई थी, अब वहां से शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पे ये लगाई हुई है और अब भी यहाँ पे ठंडा आटा जो है वो अवेलेबल है। हेलो, पहले तो मेरे सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। तो
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ठंडी चक्की के बारे में। तो दोस्तों अगर आप ठंडी चक्की के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ठंडी चक्की क्या होती है। ये जो हमने आपको इस वीडियो में ठंडी चक्की दिखाई है, ये जो चक्की है ये घराट पे चलती थी। घराट होते हैं यानी कि जो पुराने टाइम पे पहाड़ों से जो पानी निकलता था उनकी सहायता से इन चक्कियों को चलाया जाता था, तो जिसे घराट बोला जाता था, घराट चक्की बोला जाता था, और इसे ठंडी चक्की भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ठंडी चक्की इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो आटे की पिसाई है, गेहूं की पिसाई है, वो बिल्कुल स्लो गति से धीरे धीरे जो है वो होती है, जिसके कारण इस चक्की में पिसा गया आटा जो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है और उसके जो पौष्टिक गुण है वो समाप्त नहीं होते हैं। और आजकल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल न्यू चक्कियां जो आ रही हैं, तो उनसे होता क्या है कि जब उनमें गेहूं की पिसाई की जाती है तो उसमें आटा जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर पिसता है और जो चक्की का उसका दबाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसमें आटा जो है पिसते पिसते काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे उसके जो पौष्टिक तत्व है वो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि न्यू चक्कियां हैं उनमें जो पत्थरी लगी होती है वो मसाला युक्त पत्थरी होती है जो गेहूं की पिसाई करती है, और कहीं ना कहीं वो मसाले युक्त पत्थरी वाले जो उसके कण वगैरह है वो कहीं ना कहीं आटे में मिल जाते हैं, जिससे जो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और उसकी अपेक्षा जो ठंडी चक्की है इसमें जो पत्थरी का उपयोग होता है ये रियल पत्थर होता है, यानी कि रियल स्टोन होता है, पहाड़ी स्टोन होता है। ये घिसता बहुत कम है, और अगर ये थोड़ा बहुत घिसता भी है बिल्कुल स्लो गति में ये घिसता है, और तो इसमें जो इसके थोड़े बहुत कण जो है आटे में अगर चले भी जाएं तो वो हमारे मल द्वारा बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी चक्कियां जो है बहुत ही कम मात्रा में बची हुई हैं गांवों में, गिने चुनी ही चक्कियां कुछ बची हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस हमारा इतना ही वीडियो था, धन्यवाद।